आपका इस मेरे साथ प्रोग्राम में खैर मकदम है। आज जो हम बात करेंगे वो औरतों को का मुकाम दुनिया में क्या है, इस मुल्क में क्या है, उस पर गुफ्तगू की जाएगी, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे। हिंदुस्तान में एक से एक बड़ी शख्सियत पैदा हुई है, उसमें से बहुत हद मकदार में औरतें भी रही हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ किया है इस मुल्क के लिए, लेकिन बदलते दौर में, बदलते समाज में वो सब इतिहास के पन्नों में जाके कहीं छुप गई हैं। नूरजहाँ हैं, रानी झांसी हैं, बेगम हज़रत महल में हैं, हब्बा खातून हैं, इस तरीके की औरतें हैं जिन्होंने अपने वक्त के आगे सोचा। और अब जो दौर गुज़रा है, आ रहा है, आया है आज़ादी के बाद का, इसमें कुछ ख़ास तरह के जद्दोजहद पैदा हुए हैं जिसको लेके आजकल औरतें काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। हमारे साथ मेहमान ख़ास हैं सैयदा इमाम साहिबा, जो एक क्रिएटिव कंसल्टेंट हैं, कम्युनिकेशन क्रिएटिव कंसल्टेंट, माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर रह चुकी हैं और अब हज कमेटी की मेंबर हैं और बहुत ही आला सोच की मुहतरमा हैं। और हमारे साथ हैं रुपिंदर कौर जी, जो दिल्ली कमीशन ऑफ वीमेन की मेंबर हैं और इन्होंने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचती रही हैं। तो हम आपसे भी राय लेते हैं इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए। सैयदा इमाम साहिबा से इस पर राय लेना चाहूँगा कि उनका क्या ख्याल है इसके बारे में। आपको हैरत होगी मुजफ्फर कि मेरा जहाँ तक ख्याल है, हिंदुस्तान की हर पिछड़े तबके की औरत, ईच एंड एवरी वन, हर पिछड़े तबके की औरत के मरहले उसी तरह के, एक ही तरह के हैं, कॉमन हैं। यानी कि हो सकता है कि वजूहात उसके हों, तारीखी हों, समाजी जो भी है, कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है कि मर्द का बोलबाला है, लड़की है तो घर की मुर्गी दाल बराबर है और उसको स्कूल भेजना 2-3 साल के बाद उतना कुछ ख़ास ज़रूरी नहीं है, बल्कि आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई सेफ्टी, सिक्योरिटी, चैस्टिटी, लड़की के कैसे देखभाल किया जाए उसको तो रोक देना चाहिए, तो मतलब तालीम की रुकावट आ जाती है एंड और हर तरह से जब्त और कंट्रोल में आ जाती है। ये ख़ास रहा है। और हैरत और भी आपको होगी कि अकलियतों का लेकर चले, माइनॉरिटीज़ का लेकर चले, जैसे समझिए चाहे तालीम का सवाल हो या जो हो, उसमें एक्चुअली ये होता है कि फ़र्क है। अब जैसे आप ख्याल कीजिए कि जैसे कि सिख, क्रिश्चन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, मुस्लिम, उनके सारे जो वजूहात हैं लड़कियों के तालीम के या ना तालीम के, रुकावट के, वो बिल्कुल ही अलग है। मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि सब पिछड़े तबकों की वही हालत है। और एक चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए कि काफ़ी हल मौजूद है, काफ़ी हल मौजूद हैं, सिर्फ मरहले नहीं हैं। और अब यूँ देखा जाए तो एक पुलिस डिफेंस विंग होती है हर पुलिस स्टेशन में, एंड दैट पुलिस डिफेंस विंग कैन टीच एवरी गर्ल्स स्कूल कि उसको कैसे सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है, क्योंकि 13 बरस की उम्र में जब उसको रोक दिया जाता है स्कूल जाने से, तो अगर उसको टाइक्वांडो और जूडो वगैरह के ज़रिए, और मैंने देखा है, मैं अपने आँखों से, वो उन्होंने बुलाया था फंक्शन में, मैं जाकर देखी हूँ कि उन्हें डिस्प्ले करते हैं कि कैसे वो डिफेंस की उनको आती हैं तौर तरीक़े। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको ये ख्याल था कि भाई लड़की को अगर तालीम मिल जाए, अगर इनकम जनरेशन का उसके पास हिसाब हो जाए तो उसके पास सब कुछ है, उसको तो सब कुछ मिल गया। और हम जब इस एरिया में काम करने लगे तो हमें पता चला कि ये बात ठीक नहीं है। एक्चुअली ये होता ये है कि लड़की कमाने लगती है, दुगना काम करने लगती है, लेकिन उसकी जो इनकम होती है उसको जब्त कर दिया जाता है, उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उस पर वही जबर, वही सरजोरी उसके साथ जारी। तो मतलब ये कि न खुदा ही मिला न विसाल सना, कि दुगना काम हो गया और आफत आ गई। लास्ट में चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई अगर आप अपने बच्चों को इक्वल ट्रीट करें और अपने लड़कों को सेंसिटाइज करें, चूँकि वो सेंसिटाइज इस वक्त नहीं है, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एंड ये हमारे काबू में है, ये चीज़ हम हर माँ को कह सकते हैं और हर माँ से करवा सकते हैं। देखिए, मैं दिल्ली महिला आयोग से हूँ।
सालों से उधर काम भी कर रही हूँ। बात पे हमने बात करनी है वो है एम्पावरमेंट, कि हम औरत को एक उसी सेम पोजीशन पे लाना चाहें जैसे मर्दों का है, उसको भी वही चांस मिलना चाहिए चाहे एजुकेशन में हो या कुछ में हो। पर ये कहाँ से शुरू होगा, आज तक तो है नहीं। आप किसी के घर में देखिए क्या होता है कि पहली लड़की हो तो लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं का क्या, और दसवां लड़का पैदा हो जाए तो भी लड्डू बांटने लग पड़ते हैं। मतलब ये क्या है कि औरत ही औरत को दुश्मन बन जाती है। हम घर में माँ है, अगर वो अपनी बेटी को वही ज़रदा दे कि बस इसी पोजीशन पे मेरी बेटी है, इसी पे मेरा बेटा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे यहाँ रोज़ इतने केसेस आते हैं कि ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ, मारपीट हुई, और लड़के को तो वो कहते हैं इसने तो कुछ किया ही नहीं है। भाई कैसे नहीं किया है? और ये जो जनरेशन से पहले हिंदुस्तान की आप हिस्ट्री देखिए तो औरत बिल्कुल इक्वल पेस पे चलती थी, पर धीरे धीरे पता नहीं ये क्यों हुआ। और ये इसलिए हो गया क्योंकि ये दो रोटी आदमी कमा के उसको देता है, इसी के पीछे। अब कई लड़कियां हमारे पास आती हैं केस लेकर कि देखिए जी वो मारता है पीटता है, पर मैं कहाँ जाऊँ, दो बच्चे हैं मेरे और मैं कमाती नहीं हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। आप बताइए इसको, फिर पहले तो हम क्या करते हैं, उनके माँ बाप को खूब डांटते हैं कि आपने इनको पढ़ाया कि नहीं जी ये पढ़ती ही नहीं थी। तो मैंने कहा कौन सा बच्चा पढ़ना चाहता है, आपका बेटा भी नहीं पढ़ना चाहता, वो सोचेगा मैं जाके खेलूं, तो आप दो चांटे लगा के उसको भेजते ही नहीं भेजते। तो लड़की को भी पढ़ाना था, अब वो इस जगह पे आके खड़ी हो गई है कि उसके लिए मुसीबत फंस गई है। ना वो आपके घर में आ सकती क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना आप वो उधर जाती, वहाँ तो पिटती है रोज़। तो पहली बात है, हम सब कहते हैं कि हम सब लोग अपना जरिया बदल दें, प्लीज़ ये जो सोचना है इसको बदलें। पर सोचना जो है एक रेवोल्यूशन नहीं हो सकता, ये एवोल्यूशन है, ये धीरे धीरे समाज में आता है। पर इतना तो बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में अब ये शुरुआत हो गई है, हम लोग सब सोचने लग पड़े हैं कि हाँ हमें कुछ ये बदलाव लाना है और अपने से शुरू करें। दिल्ली महिला आयोग हम हर एक कॉलेज में जाते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन है, उनको बताते हैं कि ये जेंडर इक्वालिटी, मतलब आप सब इक्वल हैं। माँ जब जन्म देती है बेटे को भी वैसा ही देती है जैसे माँ को देती है, कोई फ़र्क नहीं है उधर, बाद में क्या फ़र्क है। कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहो जी लड़की का तो फ्यूचर ख़राब हो गया, अरे भाई लड़के का फ्यूचर कैसे ठीक रह गया, बलात् करने वाला वो है पर भुगतेगी वो क्यों। तो ये सब लोग, हम अगर जितने लोग बैठे हैं बच्चे हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन, ये सोच लें कि हमने अपना सोच जो है इसको प्लीज़ बदल दें। आज हम किसी के लिए तो कह सकते हैं ये ऐसे हैं वैसे हैं, पर ये कल हमारे ऊपर लागू पड़ेगा। कल आप लोग यंगस्टर्स हैं, कल आपके फैमिलीज़ होंगे, आपके यहाँ लड़कियाँ होंगी, फिर आप तो नहीं चाहेंगे उनके साथ ऐसा हो। तो ये आप सबको ये सोचना है और ये एवोल्यूशन में सब आगे बढ़कर, ये ना सोचे इसके साथ हो रहा मैं क्या करूं, ऐसे कोई बात नहीं, आप ज़रूर आगे बढ़िए और इसके प्रिय। और दिल्ली महिला आयोग तो इज़ ऑलरेडी ऑलवेज ओपन, हमारे हम सब कहते हैं, हम तो कहते हैं लड़कों के आपकी कंप्लेंट है कोई बात नहीं, आप भी हमें बता दीजिए। अगर आपकी कंप्लेंट आपकी मदर के अगेंस्ट है कि आपको लग रहा है कि यहाँ अन्याय हो रहा है लड़की के साथ, और आप आगे बढ़िए। और एम्पावरमेंट कहाँ से आएगी, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी वो नहीं आएगी। लड़कियों से साइन किया जाता है क्योंकि वो अनपढ़ हैं, वो उनको मालूम नहीं कहाँ साइन कर दें। बुज़ुर्ग औरतें आ रही हैं जिनकी जायदाद बेटे ले गए, कैसे ले गए हैं, उन्होंने कहा ये बिजली का बिल है अम्मा यहाँ साइन कर दीजिएगा। उसको क्या मालूम बिजली का बिल था तो क्या था, वो अपनी वसीयत दे रही हैं सब। तो बाद में आके उनको समझ आती है मैं तो लुट गई हूँ। तो शुरुआत कहाँ से, शुरुआत यहीं से है, आप एजुकेशन करिए। और जहाँ आप एक इंसान अगर दूसरे को एक भी इंसान दूसरे एक को समझा दे, आई एम श्योर ये कुछ 5-7 सालों में हिंदुस्तान की तो शक्ल ही बदल जाएगी। ये मुहिम जो है खुद इख्तियारी का, ये बहुत पुराना है, आज़ादी के बाद इसने थोड़ा सा ये दबा है, अब ये तूल पकड़ रहा है। 1975 में यूएन ने भी इसको एक मुहिम की शक्ल दी है, फिर नैरोबी में इस पर चर्चा हुई है, और अब
लेकिन इसका कहीं कोई हल निकल के सामने नहीं आता है जब तक के लोग खुद इस बात को ना समझें और इसको महसूस ना करें। तो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ये बच्चे जो हमारे सामने आज इस बातचीत में शामिल हुए हैं, इनका क्या कहना है, इनकी क्या सोच है और इसको आगे चल के कैसे उठाएंगे। मैं इस बात की शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि सोच बदलेगी, समाज बदलेगा, तभी देश और देश का इतिहास बदलेगा। हमें किसी भी चीज़ को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना ज़रूरी होता है। मैं ये समझता हूँ अगर हमारी माएँ हमें इस बात की सीख अगर हमारे घर में ही दें कि जो रुतबा हमारा है वही हमारी बहनों का है, तो उसी चीज़ का इस्तेमाल हम अपने स्कूल, कॉलेज और अपने वर्क प्लेस पर करेंगे तो औरतों को रुतबा और औरतों को समाज में जो इज्जत चाहिए, जो सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो वो हम अपने आप ही दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी सोच और हमारे घर में हमें जो माहौल मिलता है हम उसी चीज़ से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस बारे में अपने एक्सपर्ट से एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर हमें औरतों को एक रुतबा देना है और एक रिस्पेक्ट देनी है तो पहले क्या हम उसमें सरकार से मदद मांगे या पहले अपने घर से मदद मांगे? देखिए, सरकार तो क्या क्या करेगी आप मेरे को बताइए, और घर घर तो जा नहीं सकती है। आपको मदद तो मांगनी है, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि आप सब आके बातें करें, पर ये है कि घर में ये माँ से शुरू होगा। मैं मानती हूँ कि माँ ने वो टाइम नहीं देखा जब उनको इज्जत मिली या उनको इक्वालिटी मिली, मानती हूँ, पर उसको आज के माहौल में देखना चाहिए मेरी बेटी के साथ क्या होगा। अगर वो अपनी सोच बदलेगी तो आपको बता सकती है, अपनी नहीं बदलेगी, पर मुश्किल ये प्रॉब्लम हम देखते हैं रोज़ आती है। जो माएँ आती हैं जिनकी बेटी दुखी है वो तो ज़रूर कहती है सब कुछ बदल दीजिए, पर जहाँ पर जिसका बेटा आता है अब वो कहते हैं ये इस बेटे ने हमारे साथ खराब काम किया है या कुछ किया है, तो वहाँ वो माँ तो एकदम खड़ी हो जाती, नहीं नहीं इस लड़की को तो भाई अकल होनी चाहिए थी, ये तो लड़की है इसको दबके रहना चाहिए था। वही माँ अगर बेटी की माँ हुई तो अलग बोलेगी, बेटे की माँ है तो अलग बोलेगी। अब इसको मतलब एक जगह पे लाने के लिए हमें तो ये वही मैं कहती हूँ ये माँ से ये हम से शुरू होगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ मे बी हमारी जनरेशन ने कहीं गड़बड़ कर दी कि हमने ये नहीं कहा सबको कि जो बेटा घर में है या बेटी घर में। हमने अपने घर में तो मैंने ज़रूर किया, मेरे दो बेटे और एक बेटी है, पर मैंने उतनी और एक बेटा पहले फिर बेटी है, लोगों ने कहा जी बहुत हो गया, मैंने कहा नहीं बेटा है एक और बेटा है, पर मैंने कहा लड़की को मेरी लड़की बेटों से ज़्यादा पड़ी हुई है, मैंने कहा नहीं इसको अपने पैरों पे खड़े होना है कि ये दो रोटी के पीछे ये नहीं सुनना कि ये हो गया तो वो हो गया। सो शुरुआत घर से होगी, ये ग्रास रूट, हर एक चीज़ ग्रास रूट से होती है, तो ये ग्रास रूट से शुरू होगी। मैं समझता हूँ इसमें आपने जो बात कही आपने जो फरमाया इसमें मीडिया का बहुत बड़ा जोर है, क्योंकि मीडिया हर घर जाता है और अपनी बात का गहरा असर छोड़ता है। और मैं इस सिलसिले में शुचि यादव जी से राय लूँगा कि उनका क्या कहना है, इन्होंने बहुत मीडिया में काम किया है, CNN IBM में काफ़ी साल रही हैं और लोगों के जहनों को बदला है अच्छी तरफ बुरी तरफ, ये खुद आप बताइए। मैं कहना चाहूँगी कि आपने मीडिया के बारे में बात की तो इसमें कोई शक नहीं कि टेलीविज़न चाहे वो न्यूज़ हो चाहे फिल्म हो, सबसे ज़्यादा फिल्म का असर लोगों की सोच पर, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सोच पे ज़्यादा जाता है जहाँ तक कि विमेन एम्पावरमेंट का हिसाब है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर हमारे यहाँ एक नारा है लड़कियों के लिए जिसे कि कहते हैं कि यू नो मैं अपनी लड़की को या किसी के भी वालिद कहेंगे कि मैं इसको लड़के की तरह पालूँगा। तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत यहीं पर है हमारी सोच में कि लड़की अगर है तो खूबसूरत है, अपने किसी भी तरीके से खूबसूरत है वो, उसके कितने भी एस्पेक्ट्स होंगे उसको लेके खूबसूरत, उसको लड़के की तरह क्यों पालना है? मैं अपनी लड़की को लड़के की तरह पालूंगा, नहीं मैं अपनी लड़की को लड़की की तरह पालूंगा। और इसमें मुझे कहीं पर अगर मैं जैसे आपसे ये सवाल करना चाहूँ या सब लोगों से कि उसमें मानसिकता हमारी साइकोलॉजी वहाँ झलकती है जहाँ के हम पिक्चरें बनाते हैं तो हम उनका नाम, अरे भाई जनानी रख दो, मर्दानी क्यों रखना है,
वो मर्द जैसी औरत क्यों है, वो अपने में स्ट्रॉन्ग है, वो जनानी है, जनानी वन, जनानी टू, जैसे कि आप किक वन किक टू बनाइए, ऐसे बनाइए, लेकिन मर्दानी क्यों होगी भाई? जनानी होनी चाहिए, उसकी अपनी क्वालिटीज वैसी निकल के आनी है। दिस इज जस्ट जनरली एक ऑब्जर्वेशन है कि ये सोच सबके घरों में अगर हो, लड़के लड़के अगर घर में होंगे तो उठेंगे देर से कोई बात नहीं, लड़की देर तक सोएगी तो उसमें दिक्कत है। तो एक एक डेली आउटलुक, एवरीडे लाइफ का जो एक आउटलुक है वो औरतों की तरफ काफ़ी डिफरेंट है, उनकी परवरिश में काफ़ी। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स और सोसाइटी को मिलकर एक दूसरे से इस तरीके से एक माहौल बनाना चाहिए कि घरों में लड़कों को ये बताया जाए कि आप भाई बराबरी से इसको करिए। अगर लड़कियां 10 बजे तक सो रही हैं तो सोने दो, क्या पता रात में 2 बजे तक उसने भी काम किया हो। फिल्म अगर वो बना रही है तो रात में 2 बजे तक काम करेगी तो सुबह 10 बजे तक जाहिर है कि वो सोएगी। मल्टीटास्किंग करिए। तो केवल मेरा एक एक अनुरोध है, ऐसे कहूँगी सोसाइटी से, कि लड़कियों को लड़कियों की तरह देखिए, लड़कियों की तरह पालिए, लड़कों की तरह मत पालिए। आप एक तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी लड़की हैं। जहाँ तक वीमेंस की सुरक्षा का सवाल है तो आजकल ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी कि लड़के आजकल काफ़ी लड़कियों को काफ़ी मतलब आगे बढ़ाने की सोचते हैं और हर मामले में मतलब आगे सपोर्ट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, कितना एक्टिव हो गया है आजकल, SMS के थ्रू भी आप कहीं भी कुछ भी परेशानी है तो उसमें आप एक्टिव रहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में कहा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से एक्टिव रह सकते हैं जहाँ तक सुरक्षा का मामला है। ये बात तो बहुत अच्छी इन्होंने कहा है कि वेबसाइट पे है, पर क्योंकि हमारी रोड से केसेस के साथ हम डील करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कि इनमें से अगर 100 हैं तो उसमें से 80 तो हैं जो अनएजुकेटेड हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कंप्यूटर क्या है, इसको खोलना है, इसमें कहाँ जाना है, इन लोगों को कौन बताएगा। तो ये हम चाहते हैं कि जैसे छोटी छोटी जगह हैं, जैसे महिला समिति हों, हम लोगों ने दिल्ली शहर में तो दिल्ली महिला आयोग ने हमारी 90 महिला समितिज हैं और उधर हम लोग ये सिखा भी देते हैं लड़कियों को। चलो ये तो दिल्ली शहर की बात हो गई, बाकी शहरों में क्या होगा, गांव में है, अब तो सिखा रहे हैं उनको कि आप ये काम कीजिए, पर आखिर सारी बात घूम घुमा के कहाँ आती है, घर के अंदर आती है, सब बातें घर में आ जाती हैं। अगर माएँ शुरू कर दें ये बात, मैं तो हमेशा कहती हूँ पहली एजुकेशन तो माओं को दे डाले, बच्चों को तो चलो होगी, पहले माओं को एजुकेशन देते कि आप इधर से शुरू कीजिएगा, कि आप खुद मत ये डिस्क्रिमिनेशन मत दिखाइए कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, और मेरी बेटी सब कुछ कर सकती जो मेरा बेटा कर सकता है, उसको मौका तो दीजिए कुछ करने का। तो जो इससे निकल के आ रहा है वो ये है कि एक संघर्ष है और जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको ये खुद इख्तियारी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और एक लड़की जब तक 1000 लड़कियों की मदद नहीं करेगी समाज बदल नहीं पाएगा, और हो सकता है आपको लड़कियों की नहीं बल्कि अपने भाइयों की मदद भी लेना पड़े। जब तक आप अपने भाइयों की मदद नहीं लेंगी तब तक आपको भी शक्ति नहीं मिलेगी। तो सब पूरा एक ये एक समझिए मुश्तरक सामूहिक एक पूरा एक वो तहरीक है जिसको आपको लेके चलना पड़ेगा, बच्चों को लेके चलना पड़ेगा और अपनी माँ को बदलना पड़ेगा। और हमारा ख्याल ये है कि फिल्मों के ज़रिए से हम लोग बहुत कुछ नज़रिए बदल सकते हैं। हमने अपनी फिल्मों में भी औरतों के ऊपर फिल्में बनाई हैं जिनसे मैं समझता हूँ औरत के ज़रिए से आप समाज को बेहतर और गहराई से देख सकते हैं। मर्द जो है वो ज़िंदगी में जूझता रहता है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक बॉस से दूसरे बॉस के चक्कर में रहता है। औरत अगर नौकरी करती है तो भी उसका एक क्रिएटिव उसका एक स्पिरिट होती है, और बच्चे भी जब पालती है तब भी उसका एक ख़ास नज़रिया होता है, एक दर्शन होता है कि हम एक बेहतर इंसान बनाएं, हम एक बेहतर नागरिक बनाएं, एक बेहतर हिंदुस्तानी बनाएं। तो ये हमारे मतलब औरत का एक बहुत बड़ा दर्जा है जो समझने पे है, और ना समझिए तो कुछ भी नहीं है। तो इसका तो आपको एहसास होता रहना चाहिए और कराते रहना पड़ेगा आपको, और मीडिया वालों को ख़ास तौर से
جہاں آپ کو لگے جیسے آپ نے کہا یہ غلط نظریہ ہے, جنانی ہونا چاہیے. ہاں مطلب ایک نظریہ ہے, ہم کو نہیں. ہاں وہ نظریہ اس لیے ہے کیونکہ پوری جو آڈینس ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہے. آج آپ کسی ہیرو کو لے کے آپ فلم بنا سکتی ہیں, ہیروئن کے اوپر فلم نہیں بکتی ہے. تو یہ پوری ایک سماج کی مانسکتا ہے. ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہیروئن کے نام سے فلم بنے, وہ اسی وقت ہم نے, ہم تو بیوقوف آدمی ہیں لیکن ہم بتا رہے ہیں جن جو پیسہ لگاتا ہے قبول کیا جائے کہ آپ نے کیا. ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پیسہ لگاتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ ہمیں پیسے اگر ہم 100 لگائیں تو ہزاروں لوٹیں. تو وہ ان کا بھی نظریہ بدلنا پڑے گا, ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارا بھی کوئی سماج کے پرتی کوئی ہمارا فرض ہے, کوئی کرتوی ہے. تو جو پیسے کو میں بھی ایک ذمہ داری کا احساس ہونا پڑے گا. آج کل سب سے بڑی چیز ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں. اور پورا ہمارا سماج جو ہے ایک طرف ترقی کر رہا ہے, اس کی سوچ اڑ رہی ہے. ہم کبھی اس ملک سے جڑتے ہیں کبھی اس ملک سے جڑتے ہیں, لیکن ہم کو جو اپنی مانسکتا بدلنا ہے, جو اپنے اندر کا اندھیرا دور کرنا ہے, اس کو نہیں کبھی اس پہ غور کر پاتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ویلیوز ہیں ان کو کامرس اور ویوسائے سے دور رکھنا پڑے گا. اس میں سرکار کو بھی آگے آنا پڑے گا, سرکار کو سپورٹ کرنا پڑے گا کچھ خاص سوچ کو آگے پہنچانے تک. اور آپ لوگوں کا جب تک ارادہ مضبوط نہیں ہوگا تب تک میرے خیال میں سرکار کے اوپر بھی جونی رہیں گی. ہمارے یہاں بھی ابھی فلمیں بنتی ہیں جو ویلیوز کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں لیکن انہیں کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. جیسے ابھی آئی ڈونٹ تھنک کہ سب کو پتا ہوگا ہوا ہوائی ایک مووی آئی تھی, وہاں پہ اتنے اچھے ایک ٹیچر کی اتنی ویلیو دکھائی گئی, اپنے دوستوں کی اتنی ویلیو دکھائی گئی. اگر ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس میں جس شخص کی بات کی گئی اس کے پاس ہر امینیٹیز اس کے پاس اویلیبل نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ جیت جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ویلیو جہاں ہائی ہوتی ہیں, اس کے ٹیچر کا سپورٹ اسے اتنا ہوتا ہے. تو ویلیوز کے اوپر تو فلمیں بنتی آئی ہیں لیکن یہ ہمارے اوپر یا ہمارے سماج کے اوپر ہے کہ ہم انہیں موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں. تارے زمین پہ سے اچھی کوئی مووی ویلیوز کے اوپر نہیں ہو سکتی, تھری ایڈیٹ سے اونچی کوئی مووی نہیں ہو سکتی. تو ویلیوز کو جب تک سمجھیں گے نہیں, جب تک ہم موٹیویٹ نہیں کریں گے, ہم انہیں اگر میڈیا لینگویج کا پروموٹ نہیں کریں گے تو ان کی ویلیوز ان کو بڑھاوا نہیں دیا جا سکتا. جیسا سر نے کہا ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم ان کا استعمال نہیں کر رہے, تو دقت یہی ہے. نہ ہو تو ایک بار کوئی انسان کو ہوتا ہے ہی نہیں, لیکن ہے, لیکن اسے پرموٹ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں, آپ لوگوں سے ایک صلاح چاہتا ہوں کہ پرموشن کے لیے ہم کیسے کریں, ان کے لیے کس طریقے سے میڈیا کا استعمال کریں, اپنے سوچ کا استعمال کریں, اپنے آس پاس کے ماحول کا استعمال کریں. تو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ جس دن آپ لوگ محسوس کر لیں اور سوچ لیں کہ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی این انڈین, جب یہ انڈین لفظ آپ کے بیچ میں گھس جائے, اور سوچیے اب باقی آپ کسی ملک میں جائیے, کوئی فرانس ہو, امریکن, ان کو بڑا یہ گرو ہوتا ہے کہ ہم امریکن ہیں. ہم لوگ ہی کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم انڈین ہیں اور ہمیں اچھا ہونا چاہیے, پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اور انڈین کے ساتھ باقی کیا آتا ہے, ہماری سب ویلیوز, ہماری کلچر, ہمارا میوزک, یہ سارا کچھ اس انڈین میں آ جائے گا. جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین, اسی دن یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب اتنا بڑا ایک جھنڈا لگا ہوا ہے کناٹ پلیس میں, آپ نے دیکھا ہے, اس کو دیکھ کے کتنا اچھا لگتا ہے. دیکھیے پہلے کوئی دھیان ہی نہیں دیتا تھا, ہے تو چلو جی چل گیا سارٹ آف تھنگ, اب اچھا لگتا ہے. اور یہ ہم آپ سب میں یہ ڈال دیں کہ آپ کا نیشنل اینتھم کہیں بجے آپ کھڑے ہو جائیے گا. کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہم؟ آپ کسی اور کنٹری کے کسی آدمی کو آپ دیکھ لیجیے, اس کا نیشنل مینو وہ کھڑا ہوگا. اور ہم لوگ سوچتے ہیں اچھا کھڑا ہوں نہ ہوں کیا دیکھی جائے گی, کوئی دیکھ ہمیں کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کیا ہے ابھی ختم ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. تو اسی دن آپ کو اپنے ویلیوز بھی سمجھ آ جائیں گے, اپنی جو ہمارے پاس اتنی وی آر سو رچ کلچرلی, وہ ساری باتیں ہمارے ہم پاس آ جائیں گی. پھر ہمیں تو کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ٹھیک کہہ رہے تھے مظہر بھائی کہ کنزیومر, ہم لوگ کنزیومر ہیں. جس دن ہم لوگ کھڑے ہو گئے ان کو تو اسی دن کا ڈر ہے کہ پھر ہم سوچیں گے یہ ہم کنزیومر ہیں اور ہم بنانے والے ہیں. سو بی پراؤڈ ٹو بی این انڈین, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. آج کی اس گفتگو میں ہم نے عورت کی خود اختیاری پہ بات کی, ہمارے جو خاص مہمان تھے انہوں نے اپنا نظریہ رکھا, ہمارے سامعین نے اپنی بات آگے رکھی.
ये ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عورت مرد کا جو ایک دوند ہے، تضاد ہے، جد و جہد ہے، یہ تا ازل سے چل رہا ہے، تا ابد رہے گا۔ لیکن کیونکہ آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، بات ایک دم کھل کے سامنے آ جاتی ہے، بات پھیل جاتی ہے، تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ اور اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ دوند جو ہے اس کو ہم کیسے سلجھا سکیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ بات فوراً ایک دم عیاں ہو جاتی ہے، پہلے بہت سی باتیں ہوتی تھیں جو پتہ ہی نہیں چل پاتی تھیں، آج ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ بڑی بن کے نکل آتی ہے۔ تو اس سے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ ہماری سوچ میں ایک احتیاط پیدا ہوگی، ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا، اور ہم اپنے سماج کو ایک بہتر سماج بنا سکیں گے، ایک ہندوستان کو بہتر ہندوستان بنا سکیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔